हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट क्लासेज में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने लाया है एक टॉपिक, आप लोग देख सकते हो, एग्जाम से पहले इन बातों का रखे ध्यान। जी हाँ गाइज, कुछ बातें हैं जिनको आपको एग्जाम से पहले ध्यान में रखना ही रखना चाहिए। और उसके अलावा मैं और भी कुछ लाया हूँ नीचे, आप लोग देख सकते हो, यानी पेपर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी हाँ गाइज, ये अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है हम लोग का मिथ, वो क्या है कि परीक्षा केंद्र समय से पहुँचे। क्या है कि परीक्षा केंद्र समय से पहुँचे। मैं बता दूं कि जो सुबह पाली वाली एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, आप लोग सब लोग जानते हो कि 8 बजे से। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप 7 बजे ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, क्योंकि देखिए यार, पहले दिन क्या होता है कि अपना जो सीट है, हमें कहाँ बैठना है, खोजना वोजना, तो इसलिए लगभग आधे से एक घंटे पहले ही आप लोगों को एंट्री मिलती है, क्योंकि आप लोग को अपना जहाँ बैठना है अपनी सीट भी खोजनी होती है। तो कैसे खोजना होता है सीट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप लोग जरूर देखिएगा कि अपनी सीट कैसे खोजे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आप देख सकते हो, अगला क्या है, एडमिट कार्ड, पेन और अपनी आईडी ले जाना न भूले। जी हाँ गाइज, ये तो नेसेसरी है एकदम। एडमिट कार्ड एकदम आप न भूले, एकदम कम से कम 5-6 बार एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम जाते समय आप लोग चेक कीजिएगा, रास्ते में एकदम चेक करते रहिएगा कि एडमिट कार्ड कहीं घर तो नहीं छूटा। और मैं बता दूं कि एक इसकी कॉपी करवा लेना, 2 कॉपी भी करवा लेना। उसके बाद पेन तो नेसेसरी है भाई, अगर पेन भूल जाते हो तो पेन तो मिल जाएगी, लेकिन एडमिट कार्ड भूल जाते हो तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं कि आप एक अपना आईडी प्रूफ ले लेना। आईडी प्रूफ कहने का मतलब कि जैसे आधार कार्ड अगर है आपका तो आधार कार्ड ले लीजिए, क्योंकि चेक उतना नहीं करते हैं, लेकिन ये नियम है कि आपको आईडी लेकर जाना है। तो काफ़ी लोग बोलते हो कि आईडी पे मेरा नाम गलत है, ये है वो, तो भाई चल जाएगा, नाम गलत हो, जन्मतिथि गलत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी आईडी लेकर जानी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड क्या है भाई, कि देखिए परीक्षा केंद्र न ले जाए ये चीज़ें। परीक्षा केंद्र कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं ले जाना चाहिए। क्या है, मोबाइल है, फर्स्ट मोबाइल है, कैलकुलेटर, घड़ी। जी हाँ गाई, काफ़ी लोग, मैं बता दूं कि कैलकुलेटर, घड़ी, घड़ी दो प्रकार की होती है, आप लोग जानते ही हो। एक तो ये सामान्य घड़ी जिसमें केवल टाइम देखते हैं, और एक इस समय आ रही है कैलकुलेटर घड़ी। उसके अलावा मोबाइल घड़ी भी आ रही है, जिनमें मतलब जिन घड़ियों में मोबाइल है। तो मोबाइल घड़ी या कैलकुलेटर घड़ी आपको एकदम वर्जित है, आपको एग्जाम में लेकर जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ कि नोट्स, किताबें, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपको लेकर नहीं जाना है। और काफ़ी लोग, मैं बता दूँ, क्या करते हैं कि नोट्स ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं एग्जाम के 1-2 घंटे, मतलब वहाँ पढ़ते रहते हैं। तो भाई ये गलत बात है, आप पढ़ोगे तो आप डिप्रेशन में आओगे, ये याद कर लो, ये याद करो, फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आप कुछ भी मत, कोई भी नोट्स वोट्स, मतलब कुछ भी एकदम एग्जाम के समय लेकर न जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये क्या है कि पेपर को ध्यान से पढ़े। मैं बता दूं कि आप पेपर को अच्छे से एकदम ध्यान से अगर मिलता है तो उसके बाद एकदम एक एक पन्ना अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है कि देखिए, पढ़ने से आपको, मैं बता दूं कि उसमें लिखा रहता है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो जी हाँ गाइस, देखिए वो एक्सपर्ट होते हैं, कोई वो पागल नहीं होते कि आपको 15 मिनट बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके पढ़ने के फायदे आप पढ़ोगे तभी मालूम चलेगा, ठीक है, इस तरह मालूम नहीं चलेगा, ओके। तो अगला देखते हैं, आसान और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले करें। जी हाँ गाइज, मैं बता दूं कि देखिए क्या काफ़ी लड़के करते हैं कि जो क्वेश्चन मतलब अधिक नंबर का, जैसे 6-7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको करने में लग जाते हैं, और यही गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जो 2-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़कर जो 6 या 7 मार्क के क्वेश्चन है और उनको वो नहीं आ रहे तो उसी पर लग जाते हैं, उसी पर अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी ये गलत बात है। मैं बता दूँ कि आसान और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं
वही आप क्या करें कि पहले करें। देखिए इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका देखिए छोटे देखिए आप लोग कहा जाता है ना कि मतलब बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरह एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब काफ़ी अच्छे मार्क बन जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे एक है और भी काफ़ी एक टॉपिक अच्छा, हद से तेज लिखने का प्रयास न करें। जी हाँ गाइज, काफ़ी क्या करते हैं कि स्टूडेंट काफ़ी तेज लिखने लगते हैं, ठीक है, मतलब अपने रिपीटेशन से ज़्यादा तेज लिखने लगते हैं। मैं बता दूं कि जिस तरह आप अपने मतलब साधारण घर पे जैसे लिखते थे नोट्स वोट्स तैयार करते थे, सेम उसी तरह लिखिए। देखिए आपको 3 घंटे टाइम दिए गए हैं, 3 घंटे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, क्योंकि यार देखिए ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि मतलब कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन करने हैं ये वो, ठीक है। ये आपको 3 घंटे एकदम अच्छे से दिया गया कि आप अच्छे से एकदम राइटिंग बैठा बैठा कर लिख सकते हैं। तो सो यही थी कुछ बातें, तो फाइनल बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।